Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का M13 5G और आपको करना है इस फोन के अंदर सिस्टम नेविगेशन की सेटिंग, तो कैसे कर सकते हैं ये फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि अभी आप देख पाएंगे मेरे फोन के अंदर आपको देखने को मिला है 3 बटन नेविगेशन। इन्हें हटा के आप इस फोन में स्वाइप अप जैसे लगाना चाहते हैं या फिर स्वाइप अप बोथ साइड करना चाहते हैं, मतलब इस साइड से बैक होना चाहिए, यहाँ से बैक होना चाहिए, तो उसको भी लगा सकते हैं। स्वाइप अप करके बैक करना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं आपको क्या क्या सेटिंग यहाँ पे करने को मिल जाती है, किस तरह से आप नेविगेशन को लगा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जाना है सबसे पहले फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग ओपन करके यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल कीजिए, डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। हल्का सा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर नेविगेशन बार देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके अगर आपको स्वाइप अप जैसा सेट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके इस फोन में स्वाइप अप जैसा सेट हो जाते हैं। मतलब यहाँ से आप इस तरह से बैक करेंगे तो आपका बैक हो जाएगा, इस साइड से बैक करेंगे तब भी बैक हो जाएगा। अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो आपके सेट हो चुके हैं। यहाँ पर एक लाइन भी देखने को मिलती है, आप इसको भी चाहें तो हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए सिंपल आपको फिर से नेविगेशन बार पर क्लिक करना है, यहाँ जेस्चर्स हिंट देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपकी लाइन भी गायब हो जाएगी। अगर आप ये नहीं चाहते आपके यहाँ पे जो स्वाइप जेस्चर है वो नहीं लगाना, आपको स्वाइप अप जैसा सेट करना है, तो इसके लिए आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्वाइप फ्रॉम बटन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप इसकी जो बटन एरिया रहती है सेम उसी तरीके से आप बैक करा के आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाएगा, यहाँ से होम बटन आ जाएगा और इस साइड से आपका रीसेंट बटन। तो इस तरह से भी आप इस फोन में 3 बटन नेविगेशन को हटा के जैसे नेविगेशन को लगा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर आके सेट कर लीजिए।